नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 13 जनवरी को सीएम नीतीश देंगे नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी बोले, दबाव में काम कर रही जाँच एजेंसी। बिहार आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां। नीतीश ने लोकसभा चुनाव के लिए जदयू उम्मीदवार की घोषणा की। इतने दिनों से क्यों बैठे थे इंडिया के लोग, मंत्री अशोक चौधरी की दो टूक। अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, जिसके साथ नीतीश उसकी जीत तय। पटना में विमान हादसा चला, जदयू के सांसद और मंत्री भी थे फ्लाइट में। बिहार के 10 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, शिवदेव पांडे बने तिरहुत आईजी। बिहार के शिक्षकों को के पाठक ने चार भागों में बांटा, चौथे की नौकरी खतरे में। पटना में अब सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी, मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार 1,00,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 13 जनवरी को यह पटना के गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण एवं प्रथम चरण से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसके अनुसार लगभग 1,00,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों में से 25,000 विद्यालय अध्यापकों को पटना स्थित गांधी मैदान में दिनांक 13 जनवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। झारखंड में ईडी की बुधवार को रेड हुई। रांची, साहिबगंज, देवघर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह रेड होना था, यह छापेमारी पहली बार नहीं हुई है और न ही यह कार्रवाई आखिरी है, चुनाव तक यह सिलसिला चलता ही रहेगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि रेड होगी, यह पहले से तय था। देश में जांच एजेंसी दबाव में काम कर रही है। बिहार में भाजपा ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी योजना बना ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का परचम लहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियां करने वाले हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी और फरवरी के महीनों में बिहार में 10 जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। खरमास यानी 15 जनवरी के बाद बिहार में भाजपा के शीर्ष नेताओं की कई रैलियां आयोजित हो सकती है। लोकसभा चुनावों की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन जदयू ने अभी से ही चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। जदयू ने बुधवार को एक उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। जदयू ने निर्णय लिया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रूही तांगुंग आगामी चुनाव के लिए अरुणाचल पश्चिम पीसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे। जदयू एमएलसी और पार्टी महासचिव अफाक अहमद खान ने बुधवार को उनके नाम की घोषणा की। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बैठक को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी है। इसी बीच नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर दो टूक बात कही है, जिसके बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। अशोक चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग इतने दिनों से क्यों बैठे हुए थे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग 4 बार हो चुकी है, इसके बाद नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कहां से आ गई, आखिर क्यों संयोजक बनाने की बात होती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ी बात कही है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसकी जीत तय होती है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं और रहेंगे, वे इंडिया अलायंस से एग्जिट नहीं होंगे। वहीं नीतीश कुमार के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मंगलवार को कोई बैठक नहीं हुई थी। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट से जैसे ही इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसकी थोड़ी देर के बाद ही पायलट ने इस बात की जानकारी दी कि फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं फ्लाइट में जदयू के 2 बड़े नेताओं के भी होने की बात सामने आई है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू भी इसी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। नीतीश सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
एडीजी सुरक्षा सुनील कुमार को एडीजी विशेष शाखा बनाया गया है। पटना के आईजी राकेश राठी अब पुलिस मुख्यालय आईजी होंगे, जबकि पुलिस मुख्यालय आईजी विनय कुमार को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा के पद पर पदस्थापित किया गया है। कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदेव लांडे को तिरहुत क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी गरिमा मलिक को पटना क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशासन विकास बर्मन को पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा भेजा गया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक और नया फैसला लिया है। इसके तहत बीपीएससी पास शिक्षकों को चार वर्गों में बांटा गया है। अब इनकी कैटेगरी के हिसाब से कार्रवाई तैयार की जा रही है। चौथी श्रेणी में वैसे शिक्षकों को रखा गया है जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और विद्यालय में योगदान भी नहीं किया है और उनका योगदान कंप्यूटर सिस्टम पर स्वीकृत भी हो गया है और अब वे गायब है। ऐसे शिक्षकों के लिए विभाग ने निर्देश जारी किया है, उनसे कारण पता करते हुए निलंबित किया जाए तथा विभागीय कार्रवाई चलाते हुए 2 माह के अंदर बर्खास्तगी की कार्रवाई पूर्ण की जाए। पटना में एक पुलिस वाले ने सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ पुलिसकर्मी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां किराए के मकान में रहने वाले पुलिस कर्मी ने खुद को गोली मार दी। घटना के बाद सब इंस्पेक्टर को गंभीर स्थिति में आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कर्मी की पहचान 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर रश्मि रंजन के रूप में हुई है। घायल पुलिसकर्मी मूल रूप से औरंगाबाद जिले के देव का रहने वाला बताया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।